पिता के साथ बने रहिए। शुक्रिया आनंद, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आप खबर यूपी ब्लॉक चुनाव के हिंसा से जुड़ी हुई। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत उत्तर प्रदेश से। ये बड़ी खबर जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कई जिलों में जमकर बवाल हुआ। राज्य के ज्यादातर जिलों से कल हिंसा और बवाल की खबरें सामने आई। कुछ जगहों पर बमबाजी और फायरिंग भी हुई। अलीगढ़ हो, लखीमपुर खीरी हो या गोरखपुर, पीलीभीत हो, गोंडा हो, देवरिया, सभी जगह से तस्वीरें करीब एक सी आई। कुछ जगहों पर हाथापाई और मारपीट की घटना भी हुई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने कई जगह लाठीचार्ज का सहारा भी लिया। सीतापुर, जौनपुर, एटा, बहराइच, कानपुर, गोरखपुर और रायबरेली में जमकर बवाल हुआ। तो इस बीच जरा कोरोना पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरीके से तीसरी लहर खतरनाक हो सकती है अगर आई, लेकिन बावजूद इसके लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, मेरठ हो, महाराष्ट्र हो, ओडिशा हो, भारी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं लापरवाही करते हुए। और अगर ऐसे ही लापरवाही चलती रही तो जाहिर तौर पर केसेस बढ़ेंगे और केसेस देखिए बढ़ भी रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर हम पिछले 3 दिनों में देखें तो आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। आज करीब 9000 केसेस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से सामने आए हैं, लेकिन बावजूद इसके लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सावधानी लोग बरत नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर चिंता जताई और ये कहा कि जो भीड़ वाली तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं, उनको देखते हुए अब कदम उठाने चाहिए। लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सदर बाजार, दादर मार्केट, ओखला मंडी, जहां पर जो सब्जी बेच रहे हैं वो भी बिना मास्क के और जो सब्जी लेने जा रहे हैं वो भी, और इनके बीच उचित दूरी भी नजर नहीं आ रही है। और जरा महाराष्ट्र के आलम बता दें, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9114 नए मामले सामने आए, जबकि 121 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई। हैरानी की बात यहां ये कि अकेले मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 540 नए मामले सामने आए। मुंबई में 13 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत हुई। मुंबई के अलावा पुणे में कोरोना के मामले बढ़े हैं। पुणे में 24 घंटे में 331 मामले सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। देशवासी मिलकर प्रयत्न करें तो हम जीत सकते हैं। वो प्रयत्न क्या है, जो भी प्रोटोकॉल है उनका हम पालन करें, बाकायदा जो चीज़ें सरकार बताती है उनके ऊपर चलते रहें और सब लोगों को कहें कि आप भी इसके ऊपर चलें। जितना आप अपने आप को बचा के रखेंगे उतना दूसरे भी बचे रहेंगे और यही एक तरीका है। बढ़ते केस ने अब चिंता बढ़ाई है। ये सिर्फ मुंबई की स्थिति नहीं है, हर जगह आप चाहे दिल्ली से देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी कई ऐसे बाजारों को बंद कर दिया है जहां पर भीड़ बहुत देखने को मिली। बार बार लोगों को चिताया जा रहा है, मार्केट बंद किए जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं। या तो उनके चेहरे पर मास्क नहीं होंगे और अगर होंगे भी तो सिर्फ एक खाना पूर्ति। सही तरीके से लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं और ये स्थिति से केवल देखिए दिल्ली और महाराष्ट्र में नहीं है, पहाड़ी इलाकों में पर्यटक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। वहां जाकर वो छुट्टी मनाने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, मौज मस्ती के मूड में है, लेकिन इस मस्ती के मूड में लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मास्क नहीं है और 2 गज की दूरी तो आप भूल ही जाइए।
कोरोना की दूसरी लहर जैसे जैसे कमजोर पड़ रही है और पाबंदियों में छूट दी जा रही है, लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले वीडियो और तस्वीरों पर चिंता जताई। उन्होंने बैठक में कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोश के साथ चल रही है, इसमें लापरवाही या कमी के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक गलती से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और कोरोना से लड़ाई कमजोर हो सकती है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे से जुड़ चुके हैं। प्रियंका कांडपाल दिल्ली से हमारे साथ हैं और अभिषेक पांडे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। मनोज भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोपाल से। जल्दी से पहले मनोज का ही रुख कर लेते हैं। मनोज, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या आलम है वहां पर? लोगों को डर है कि नहीं है तीसरी लहर का? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे ही देखिए, ये देखिए, ये चले जा रहे हैं इधर इधर, ये फ़ोन पे बातचीत करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए, आप घर से बाहर निकली हैं, आपका मास्क कहाँ है? मास्क रखा है। तो मास्क रखने के लिए है कि पहनने के लिए है? अभी पहन लूँगी। आपको पता है कि आप बगैर मास्क के निकले तो आपको खुद को भी खतरा हो सकता है, आप दूसरे के लिए भी परेशानी का सबब। सॉरी, आगे से ऐसा करेंगी? नहीं। ये देखिए, ये बगैर मास्क है, इनके पास मास्क है, ये रखे हुए हैं, देखिए वो जा रहे हैं। मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे कोरोना की जो इनके पास मास्क है लटका भी हुआ है। सर एक मिनट इधर सर जी, सर ये आप मास्क है आपके पास और पहने नहीं हुए? अभी लेने में उठा। हाँ, अभी लेने गाड़ी से गाड़ी। देखिए साहब, ये फ़ोन पर बात कर रहे हैं आप, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोरोना का समय है, दूसरी लहर, आपने देखा था कितना नुकसान हुआ था, मास्क कहाँ है आपका? मास्क है, जेब में रखा है। जेब में रखने के लिए होता मास्क की पहनने लगा रहा था, अभी आ रहा था तो लगा रहा था। मतलब लगा रहा था, आया हूँ लगा रहा था। आपको पर कोरोना से डर नहीं लगता? डर लगता है भाई, लेकिन आपको देख के तो नहीं लगता कि आप कोरोना से डरते? डरते हैं ना। आगे से ऐसा करेंगे? नहीं। देखिए, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कि लोगों को, ये देखिए सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई मास्क नहीं है। मैं आप लोगों से बातचीत कर सकता हूँ? आप मास्क नहीं पहने हुए? जी सर। हाँ, मास्क लगा लेता हूँ ना। कोरोना ने कितनी तबाही मचाई, दूसरी लहर ने कितनी तबाही मचाई, ये देखिए ये सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। सर आपका मास्क कहाँ है? हाँ, आपका मास्क कहाँ है? देखिए आप लोग एक दूसरे से इतने करीब खड़े हैं, आपका मास्क कहाँ? जेब में रखा था, अभी निकाल लिया था। ये मास्क जेब में रखने की चीज़ है? नहीं, जेब में नहीं, अभी निकाल लिया था, थोड़ा किसी नाराज था। मतलब पूरे बाजार में आपको, ये देखिए मास्क कहाँ है आपका? सर तो पहनिए ना सर। अरे बिल्कुल, आपको देख के तो मैंने पहना था और मैं हमेशा पहनता हूँ। अच्छा, मैं महिंद्रा में रीजनल मैनेजर हूँ। अच्छा, तो कोई दिक्कत? बाकी जो नहीं पहनते उनसे क्या कहेंगे? मैं जो नहीं पहनते, परिवार के प्रोटेक्शन के लिए और प्रोटेक्शन के साथ साथ समाज के प्रोटेक्शन के लिए, ये दो काम कीजिए आप। मैं दूर दूर तक आपको नज़ारा दिखाऊंगा। देखिए, मतलब मास्क को लेके कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। भोपाल, उज्जैन मध्य प्रदेश के दो ऐसे शहर हैं जहाँ डेल्टा प्लस के भी मामले आ चुके हैं, लेकिन कैमरे के सामने मनोज स्वीकार रहे हैं कि आपको देख कर वो मास्क पहन लेते हैं और वो बता रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जागरूकता लोगों में है नहीं। चलिए, अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से इस वक्त मौजूद हैं और मुंबई से आशीष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा मुंबई का हाल भी जान लेते हैं आशीष, क्योंकि बीते 3 दिन से हम देख रहे हैं केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, लोगों को बढ़ते केसेस से डर लग रहा है क्या? जरा तस्वीरें दिखाइए और बात कर पाए तो बात कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि बसेस जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर बसेस जाती हैं। यहाँ पर बकायदा जो बस के कंडक्टर हैं उनसे ये कहा गया है कि केवल सीटिंग कैपेसिटी जितनी ही है उतने ही लोगों को बस में भेजा जाए, साथ ही में ये निश्चित किया जाए कि सभी लोग कोरोना के जो नियम हैं वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो लोगों का मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं कि आमतौर पर अमूमन बस के अंदर कंडक्टर होते हैं, लेकिन मुंबई में यहाँ का जो दादर का नज़ारा है वो ऐसा है कि बस के दरवाजे पर ही जो कंडक्टर है वो खड़े हैं और केवल उन्हीं लोगों को अंदर छोड़े जा रहे हैं जो कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन लापरवाही बरतने वाले भी कुछ लोग
जरूर हैं। सुबह की वक्त में जब ऑफिसेस या कॉलेजेस की तरफ जाते हैं लोग, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर होती है, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बीएमसी के मार्शल्स तैनात होते हैं। लेकिन अभी की स्थिति आपको बताना चाहेंगे, फिलहाल यहाँ पर ना पुलिस है ना बीएमसी का कोई मार्शल है, लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। और आप जैसे कि नज़ारों में देख सकते हैं कि पूरी तरीके से दुकानें जो हैं वो चल रही हैं, लोगों को कहीं ना कहीं दूसरी लहर और महाराष्ट्र खासकर मुंबई के बढ़ते हुए आंकड़ों से डर लग रहा है, ये फिलहाल तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। अर्पिता ठीक है, आप रहिए जरा सा, देखिए कोरोना नियमों में पाबंदी में ढील मिलने के बाद दिल्ली समेत देश के कई शहरों में भीड़ के हैरान करने वाली तस्वीरें नजर आ रही हैं। दिल्ली के खारी बावली बाजार और ओखला सब्जी मंडी में तो पैर तक रखने की जगह नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश के धार और राजस्थान में श्रीगंगानगर में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई, नियमों को तार तार कर दिया। इन तस्वीरों को देखकर लग ही नहीं रहा कि देश में कोरोना फैला हुआ है। तीसरी लहर के आने का खतरा अब भी बरकरार है, लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं, लापरवाही करते ये लोग। अमित गंजू हमारे साथ मौजूद हैं, कानपुर से हैं। अमित, आप वहां पर हैं, जिस तरीके के हालात हम दिल्ली की मार्केट में, मुंबई की मार्केट में देख रहे हैं, क्या कानपुर में भी कुछ वैसे ही हालात हैं? लोग वहां पर भी लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं, मगर लोग शायद बिल्कुल एकदम बेपरवाह है। मैं अपने कैमरा में से को पहले पीछे का दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे एक ने मास्क लगाया, दूसरे नहीं लगाया, ये साइकिल वाले चले आ रहे हैं मस्ती में, इनको इनसे कोई लेना देना नहीं। दूसरा जेब में अपने हाथ डाल के प्रयास कर रहा है, मास्क हाथ में लिया है, एक बाइक लगाया, लेकिन लोग इस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझते। इनसे हम खुद पूछते हैं कि ऐसे क्यों मस्ती में घूम रहे हैं, ना तो ये कोई पार्क है ना कोई ऐसे। आप इधर आ जाइए, आगे इधर आइए, आपका मास्क कहाँ है? आइए इधर आइए, मास्क कहाँ है आपका? गिर गया। कि कहाँ गिर गया? आ रहे थे, गिर गया। आप फंस रहे हैं, यहाँ इतनी मौतें हो रही हैं कानपुर में कि नहीं हुई है? हो रही हैं, हो रही हैं। आप गंभीर क्यों नहीं? गंभीर इसने गिर गया, आप बात ही नहीं मान रहे मेरी। अभी गिर गया तुरंत ही? आप लगाएंगे कि नहीं? हाँ अभी खरीद लेंगे, जस्ट लगा लेंगे। इन्होंने कहा खरीद लेंगे तो मानना पड़ेगा। इधर आके देखिए, मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा, इधर दिखाइए, ये निकले हैं गमछा लेके आराम से, जैसे इनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये अलग घूम रहे हैं। अगर हम दूसरी बात लोगों की जाए, इधर पान की दुकान पे क्या, अगर एक नजारा दिखाएं तो लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। कानपुर में अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो पिछले दिनों जो मौत के आंकड़े थे उत्तर प्रदेश में दूसरा नंबर था। ये देखिए चले आ रहे हैं बिल्कुल टहलते हुए, बिल्कुल बेपरवाह इस बात से कि कुछ है कि नहीं। आप इधर आइए, आपका मास्क कहाँ है? सॉरी भूल गए। कहाँ भूल गए? अरे जेब में निकले पानी। जेब में क्या कर रहा है? जेब में आपका मुंह चला गया है? आपका मुंह जेब में? ठीक है, सॉरी बोल रहे हम ना। सॉरी बोलने पर लगाइए मास्क आप। देखिए इधर देखिए, ये सब निश्चिंत बने घूम रहे हैं, कैमरा देखने के बाद मुंह छुपा लिया। ये पान की दुकान पे बैठे हैं, इनको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं। इन्हीं से पूछते हैं, आपका मास्क मुंह पे क्यों नहीं है? सर मुंह पे क्या, मुंह पे सर बात कर रहे हैं। तो बात करते मुंह पे नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल, ये देखने लगे। आपका मास्क कहाँ है? देखिए हंस देते हैं लोग, इस तरह हंस देते हैं जैसे कि बिल्कुल कोई हंसी मजाक हो रहा है, कोई ठिठोले हो रहे हैं, इसकी गंभीरता को लोग नहीं समझ रहे। अब देखिए एक लड़का ईयरफोन लगाए आ रहा है, बिल्कुल हाई फाई बिल्कुल बना, शर्ट्स पहने, लाल रंग का जूता भी पहना है। देखिए स्टाइल में कहीं से कमी नहीं है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर, अरे इधर आ जाइए, भाग रहे हैं। देखिए देखिए हंसते हुए चले जा रहे हैं। ये साइकिल वाले भाई साहब देखिए मुंह में मसाला डाले चले आ रहे हैं। सामने वो देख सकते हैं साइकिल वाले सज्जन चले आ रहे हैं, मास्क है नहीं। ये तीन सवारी टाटा करके जा रहे हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट इन्होंने हासिल कर लिया। आप स्वयं कैमरे की नज़र से देखिए, चाहे वो साइकिल वाला हो, चाहे बच्चा चला रहा हो, चाहे वो लेडी खड़ी हो, मसीह ने मास्क नहीं लगाया है। इससे समझा सकता है कि कोरोना जैसी इस महामारी के प्रति कानपुर वासी कितने गंभीर हैं। अब देखिए इस बच्चे को लेकर, जरा सी उम्र के बच्चा है, इसके कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं, खुद भी बीमारी फैला रहे हैं और दूसरे को, इनमें से कोई भी कोरोना ग्रस्त हुआ तो शहर में। इधर आइए, आप इधर आ जाइए, इधर आइए प्लीज, इधर आइए प्लीज। अरे मास्क कहाँ है आपका? देखिए मास्क के बारे में कुछ नहीं बताया और लेके बस कुछ चले गए, तो आप समझ सकते हैं कि ठीक है। आप रहिए जरा साथ, देखिए ये शहर कानपुर की तस्वीरें नहीं है, जरा मुंबई के दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें भी दिखाते हैं। वहां पर देखिए लोग पहुंच रहे हैं, कोरोना नियम तोड़ते दिख रहे हैं, लोग ना तो दो गज की दूरी मेंटेन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाए दिख रहे हैं। लोग मास्क पर बहाने बनाते भी दिख रहे हैं। कोरोना नियमों में ढील मिलने के बाद दिल्ली में कई जगह नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली के सदर बाजार से डराने वाली तस्वीर आई, वहां पर लोगों की भीड़ जुटी है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग से बेपरवाह दिखे। हैरानी की बात तो ये है कि ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, मास्क के बारे में पूछने पर भी लोग बहाने बनाते नजर आए।
आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष देखिए, ये तस्वीरें हम अलग अलग राज्यों के दिखा रहे हैं, हालात कैसे बने हुए हैं। सबको पता है कि तीसरी लहर का खतरा है सामने, लेकिन लापरवाही से लोग चूक नहीं रहे। आप किस जगह पर हैं और वहां पर जरा लोगों से अगर आप बात कर पाए कि क्या उन्हें इस बात का डर है कि तीसरी लहर आने वाली है, क्या इस बात का डर है कि फिर से लॉकडाउन की स्थिति हो जाएगी अगर वो ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो। इस समय हम खड़े हैं, दादर एक ऐसा स्टेशन है जो मुंबई के सबसे ज्यादा व्यस्त स्टेशनों में से एक है, लेकिन यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। ये जो लोग हैं एक साथ यहाँ पर खड़े हैं, इनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने मुंह पर मास्क तक नहीं पहना है। आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने मास्क लगाया कैमरा देखते हुए, क्या कोरोना से आप डर रहे हैं? नहीं नहीं सर, थोड़ा बात करने लग गया था इसके लिए निकाल। बात करने लगे थे इसलिए मास्क नहीं निकाल? नहीं, थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही थी ना इसके लिए, सॉरी। कहाँ से आए हैं आप? दादर। कहाँ से आया? नहीं नहीं, इधर ही किसे हूँ सर। इधर ही रहते हैं, इसी तरीके से रहते हैं बिना मास्क? नहीं सर, मास्क लगाते ही है, दूसरे को भी बोलते बात बड़ो के, जब उनसे बात करने लगे इसके लिए नीचे कर दिया था। बात करने लगे इसलिए नीचे कर लिया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। हालांकि जब कैमरा आता है, न्यूज 18 इंडिया का कैमरा आता है, तो लोग बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, मास्क जो उनके पास होता है उसे अपना मुंह ढक लेते हैं, लेकिन कैमरा हटने के बाद फिर एक बार वही रवैया, जो काफी ज्यादा घातक हो सकता है। टास्क फोर्स के जो मेंबर्स हैं उनसे लगातार हमारी बातचीत चल रही है, उनका ये कहना है कि लोगों का अगर इसी तरीके से बर्ताव रहा तो तीसरी लहर जो है उसमें 70 से 80 लाख लोग केवल महाराष्ट्र में प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए लोगों को अब जागरूक रहने की जरूरत है। अर्पिता ठीक आप रहिए जरा सा। देखिए, कोरोना पाबंदियों में ढील मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के मनाली में तो सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हजारों लोग घूमने फिरने के लिए वहां पहुंच गए, हर जगह लोगों की भीड़ दिखी, सड़कों पर गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। वहीं शिमला की तस्वीरें जरा देखिए, वहां पर भी लगातार लोग पहुंच रहे हैं। जब से अनलॉक हुआ पिछले महीने से, औसतन 18,500 गाड़ियाँ एंटर कर रही हैं हिमाचल प्रदेश में, और मेन टूरिस्ट स्टेशन से जैसे शिमला, कसौली, मनाली, धर्मशाला, डलोजी, इसमें काफ़ी तादाद में पर्यटक आए हैं। साथ ही साथ जो वर्क फ्रॉम होम है वो अब चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम हिमाचल, लोग डीप इंटीरियर्स में होम स्टेज में जा रहे हैं और कई कई महीने उन्होंने किराए पे होम स्टेज लिए हैं, वहाँ से वो अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हमने करीब 5 करोड़ से ऊपर फाइन मास्क का किया है। ये फाइन करने का उद्देश्य लोगों को फाइनेंशियल हार्डशिप में नहीं डालना है, क्योंकि और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लखीमपुर बदसलूकी पर कार्रवाई हुई है। बदसलूकी मामले में सीओ और थाना प्रभारी सस्पेंड किए गए हैं सीएम योगी के आदेश के बाद। दरअसल ये कार्रवाई हुई है, महिला से बदसलूकी का आरोप लगा था एक शख्स पर, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर बदसलूकी पर यह कार्रवाई हुई है, जहां पर सीओ और थाना प्रभारी जो हैं वो सस्पेंड किए गए हैं सीएम योगी के आदेश के बाद। दरअसल ये कार्रवाई हुई, महिला से जिस शख्स ने बदसलूकी की थी उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो लखीमपुर खीरी में जो बदसलूकी महिला के साथ हुई उसको लेकर सीओ और थाना प्रभारी सस्पेंड हुए हैं, साथ ही साथ एक की गिरफ्तारी भी वहां पर हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद तख्त नजर आए, उन्होंने आदेश दिया जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। तो न्यूज 18 के मनोज शर्मा की यह खबर है, मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। मनोज, मनोज आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल जी, मैं ये बदसलूकी का क्या मामला चुनाव जो होने वाले थे ब्लॉक प्रमुख वाले उसी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताने देता हूँ। लखीमपुर खीरी में कल जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान नामांकन की प्रक्रिया की जा रही थी, उस दौरान जो सपा की प्रत्याशी थी ऋतु सिंह, उनके साथ उनकी प्रस्तावक अनिता सिंह अपना पर्चा दाखिल करने के लिए जैसे ही गेट पे पहुंची, वैसे ही दो युवकों ने उसमें दोनों से पर्चा छीनने का प्रयास किया। उसी दौरान उन महिलाओं के साथ मारपीट भी की। मारपीट के दौरान जो अनिता सिंह थी उनका कपड़े भी फट गए थे। इसको लेकर
सपा के नेताओं ने बीजेपी के लोगों पे आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके साथ अपहरता की, उनको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया था। इसको लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक आरोपी यश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। मीडिया के माध्यम से जब मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ को इसकी खबर लगी, उसके बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए क्षेत्राधिकारी अभय मल्ल और थाना प्रभारी आदर्श कुमार को तत्काल सस्पेंड कर दिया। कहीं ना कहीं इस तरह के कड़ा रुख अपना के आरोपियों को दोषियों को संदेश देने का प्रयास किया, जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनोज जरा बताइएगा कि जो यश वर्मा का नाम आ रहा है सामने, क्या बीजेपी सांसद रेखा वर्मा का वो रिश्तेदार है? यश वर्मा और जो दूसरे आरोपी जो ब्रज किशोर है, दोनों ही रेखा वर्मा के करीबी कहे जाते हैं, दोनों अक्सर उनके साथ देखे जाते हैं। यश वर्मा जो उसको यश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, ब्रज किशोर अभी फरार चल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से चार टीमें गठित की गई उनकी गिरफ्तारी के। प्रशासन के लोगों का कहना है कि जल्द जल्द दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं शासन की तरफ से जो कड़ी कार्रवाई की गई है, लोगों में संदेश जाएगा कि इसमें कोई भी हो, या बीजेपी का हो या सपा का या किसी भी पार्टी का दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चुनाव के दौरान प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई लखीमपुर में देखी जा रही है। ठीक है मनोज, जरा बताइए कि थाना प्रभारी और जो सीओ है वो फिलहाल उनको हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है, तो ऐसी घटनाएं तो टोटल 8 अभी अलग अलग जगहों से सामने आई है, क्या वहां पर भी इसी तरीके की कार्रवाई कुछ होनी है? बिल्कुल, शासन ने इसका संदेश दिया कि जहां भी जिस तरीके का सामने मामला अगर सामने आएगा, संज्ञान में आएगा, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारी प्रशासन चुनाव कराता है, प्रशासन की जिम्मेदारी तय होती है, और तय करने के बाद अगर दोषी पाई जाती कार्रवाई भी की जाएगी। और जगह भी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आएगा या जाँच के बाद दोषी पाया जाएगा, शासन के लोग हों या प्रशासन के लोग हों या अन्य किसी पार्टी से संबंधित जुड़ा हो, सपा हो, बीजेपी हो या अन्य किसी दल से जुड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई इन्होंने निश्चित है। बिल्कुल, तो ये देखिए पूरी घटना दरअसल क्या है। लखीमपुर खीरी में एक महिला जो कि अपना नामांकन दाखिल करने गई थी, समाजवादी पार्टी से जुड़ी बताई जा रही हैं वो, उनके साथ एक और महिला गई थी उनके प्रस्तावक के तौर पर, उनके समर्थक के तौर पर, लेकिन वहां जब वो पहुंची हैं तो कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की है, वीडियो भी उसका सामने आया और अब कार्रवाई भी हुई है। दो लोग इसमें बताए गए, क्योंकि FIR दर्ज करवाई गई थी, दो लोगों का नाम था उसमें, एक आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही दूसरा भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।